हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद उदित चैनल। आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि मैं CDS 2021 का पूरा पेपर डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये हिंदी में लिखे हुए हैं, मैं इंग्लिश में बताता हूँ, रुकिए आपको। वेट। चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने, मैंने कहा था ना, मैंने 1 से लेकर 5 तक पहले वीडियो में डिस्कस किए थे, फिर 7 से 10 प्लेलिस्ट बनी हुई है। कुछ सारे पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये चैनल का मकसद ही यही कि आपको फ्री कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा देना, ठीक है? चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन x³ - 1 x² - 9x + 14 डिवाइडेड बाई x² + x + 1 डिवाइडेड बाई x² - 8x + 7। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या सॉल्व करने पे क्या आएगा? तो स्टूडेंट, इसमें तुम्हें पूरा का पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं एक तरीका बताता हूँ। अगर तुम x बराबर 1 रख लोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, है कि नहीं? सॉरी, तो नीचे भी डिनोमिनेटर में भी 0 हो जाएगा, तो हम x बराबर 1 नहीं रख सकते। तो x बराबर क्या रखें? x बराबर 0 रख ले, 0। अगर x बराबर 0 लेंगे तो -1, 14, 1 और 7, ठीक है? तो -1 × 14 डिवाइडेड बाई 7, 7 × 2 = 14। 7 × 2 = कितना होता है? 7 × 2 = 14, -2 आंसर आएगा। देखो मैं बता रहा हूँ, x बराबर 0 रख लो, 0 - 1 - 1, यहाँ 0 हो जाएगा 14, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 7। तो ऊपर बचेगा -1 × 14 / 7, 7 × 2 = 14, -2 आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन तुम्हें 0 रखने पे -2 देगा? तो इधर 0 रखो, -1 आएगा, इधर 0 रखो, -2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर है। इधर 0 रखो, -7 आएगा, इधर 0 रखो, 2 आएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा? -2। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आ गई? तो 11 वाला क्वेश्चन तुम लोगों को क्लियर हो गया, वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना, प्रॉपर तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो पूरा। क्वेश्चन नंबर 30 नहीं, अब पहले हम लोग 12 देखेंगे, 11 हो गया था। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड इनटू दिस, इसमें क्या ऐड करें कि ये मिल जाए, इसमें क्या ऐड करें कि ये मिल जाए, ठीक है? तो ऐसे कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है? अगर हम लोग वैल्यू लेके करना चाहें तो वैल्यू लेके भी कर सकते हैं, हालांकि ये मन में ही हो जाएगा, ठीक है? इसको तो तुम ब्रेक ही कर लोगे x - 2 × x - 3 में, है ना? फिर उसको उधर जाके एलसीएम लेना है, इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एलसीएम लेना है, तो ये एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, ये क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आई थिंक यह क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ठीक है? या तो x बराबर 1 रख लेना, ठीक है? और अगर x बराबर 1 रखना, अगर आपको वो नहीं करना है तो पूरा पूरा सॉल्व कर सकते हो। देखो ये x - 2 × x - 3 ब्रेक हो जाएगा, इसमें क्या जोड़ें कि ये आ जाए, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, फिर एलसीएम ले लेना। क्लास 6 लेवल 7th लेवल का क्वेश्चन है। चलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखते हैं। x / a + y / b = a + b = this, देन इसकी वैल्यू क्या होगी? तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? फटाफट दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? क्या बन सकता है आपके अकॉर्डिंग, क्या बन सकता है, एक बार सोचने की कोशिश करिए। अगर हम x बराबर a मान लें और y बराबर b मान लें, हो सकता है ना? x बराबर a मान लो, x बराबर 1 ले लो, y बराबर 1 ले लो, a बराबर 1 ले लो, b बराबर 1 ले लो, खत्म कहानी। देखो x बराबर 1 ले लिया, a बराबर 1 ले लिया, y बराबर 1 ले लिया, b बराबर 1 ले लिया। अब देखो, अगर x बराबर 1 है और y बराबर 1 है, a बराबर 1 है, 1 है, तो 1 + 1 = 2 हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आप कहोगे सर आपने हवा में कैसे ले लिया 1 1, बस वो प्रैक्टिस की बात है, फटाफट प्रैक्टिस करते हो तुम्हें भी आएगा। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। मैंने यहां से लिया, देखो 2, 2 को ब्रेक करेंगे 1 + 1, तो x की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। अब यहां पर रखो, ये तो सेटिस्फाई करेगा ही, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, LHS RHS के बराबर है। अब मुझे निकालना है इसकी वैल्यू, तो 1 / 1² - 1 / 1² तो 1 से 1 - क्या 0 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखे जरा। देखो काफी सारे क्वेश्चन बिना पेन के हो जा रहे हैं यार, बहुत सिंपल है। इफ एक्स माइनस के इज द एच सी एफ एफ x² + ax + b एंड x² + cx + d, देन वट इज द वैल्यू ऑफ के? मतलब अगर x² + ax + b और x² + cx + d का x - k एच सी एफ है, तो k की वैल्यू क्या होगी? मैं आपको इसको करने का तरीका बता रहा हूँ, हिंट बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना कभी भी टीचर का काम नहीं होता, पूरा टीचर का काम है हिंट देना। तो मैं आपको हिंट दूंगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करना, पहले तो वीडियो पॉज करके आप खुद ही ट्राई करना, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है?
तो अगर मान लो तुमसे ये नहीं बन पा रहा है क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे? देखो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर ध्यान देना, इसका फैक्टर x माइनस के है और इसका फैक्टर भी x माइनस के है, तो यहां पर भी x बराबर k रख दो और यहां पर भी x बराबर k रख दो, ठीक है, और दोनों को बराबर कर दो, वहां से k की वैल्यू निकल आएगी, है ना? सिंपल। देखो अगर x माइनस के इसका फैक्टर है और x माइनस के इसका फैक्टर है, तो अगर हम दोनों को बराबर कर देंगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, है कि नहीं? वही k की वैल्यू। तो आई होप इसके बाद आप सब सॉल्व कर ले जाओगे इस क्वेश्चन को। मैं बता दे रहा हूं, मेरे हिसाब से आएगा d माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, यही आना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। देखो मन में भी फटाफट कैलकुलेशन हो सकती है। तो स्टूडेंट देखो, आपको 11, 12, 13, 14 ये सारे दोनों चारों क्वेश्चन मैंने कराए, तो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे यार, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है? चलो, थैंक यू।